प्रदेशवासी प्रिय बहनों और भाइयों, प्रदेश के 9 जिलों में 394 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आवश्यक संख्या में भोजन इत्यादि की व्यवस्था शिविरों में की गई है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन जिले के कई गांव बाढ़ में घिर गए हैं। वहां से अनेकों भाई बहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ गांव अभी घिरे हैं और भौती में, रायसेन जिले के नरेला में, सीहोर जिले के और कुछ अलग अलग स्थानों पर हमारे कुछ साथी फंसे हैं। उनको निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर के लिए आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनको रास्ते से ही बाहर लौटना पड़ा है। एक झांसी और एक नागपुर गया है। सवेरे बहुत जल्दी ये फिर आएंगे। हमने और अतिरिक्त हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मांगे हैं। एयरलिफ्ट करने का काम सवेरे जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। खराब मौसम के कारण उसमें बाधा पैदा हो रही है। होशंगाबाद, रायसेन के साथ साथ सीहोर जिले के लिए भी बाढ़ से बचाव हेतु सेना बुलाई गई है। हमारे आर्मी के जवानों को भी पहुंचने में समय लग रहा है। रास्ते जगह जगह से बंद है, लेकिन भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के कारण पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से लगी हुई है। हमारे कई नगरों में, होशंगाबाद, बरेली, साहेबगंज, नर्मदा के किनारे के अनेकों गांव, कस्बे, सहायक नदियों के कारण नर्मदा जी की कई जगह दिक्कत है। भाई और बहनों, संकट का समय है ये, लेकिन इसमें धीरज रखना है। मैंने स्वयं अपने कार्यालय को कंट्रोल रूम बना लिया है। लगातार लोगों से मैं बात कर रहा हूं। प्रशासन भी मुस्तैद है। रात भर मैं भी बैठूंगा। मेरी यही प्रार्थना है, घबराए ना, संयम और धैर्य रखें। हर संभव सहायता की जाएगी। और प्रिय बहनों, भाइयों को, बच्चों को सुरक्षित निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी सभी समाज सेवियों से अपील है, हमारे नौजवान साथियों से अपील है, विभिन्न संस्थाओं से अपील है कि संकट के समय बचाव और राहत के कार्यों में वो प्रशासन के साथ जुटे। भोजन, पानी, चाय इत्यादि की व्यवस्था भी प्रशासन के साथ मिलकर सभी समाज से भी उत्साही नौजवान, विभिन्न संगठन करें। पूरी हिम्मत के साथ
हम इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करेंगे और इसमें से सुरक्षित निकलेंगे। धैर्य रखिए, मेरी पूरी टीम, मैं स्वयं राहत और बचाव के कामों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से सब ठीक होगा।